Hello guys, welcome to the new video. In today's videos we are demonstrating a new project and the project title is Resort Management Systems. अगर आप final year student हो तो आपको एक project की requirement जरूर पड़ने वाली है, तो ये project आपको final year में help कर सकता है. अगर आप jobs के लिए भी apply करें तो आपको एक college project जरूर चाहिए होता है, जो कि आपको college में submit करना होता है, और एक जब आप interviews दे रहे हो तब भी submit करना होता है, उनको explain करना होता है उसको उस projects के बारे में. तो जो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर आपको करने वाला हूँ तो वही चीज़ आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हो. तो ये प्रोजेक्ट है हमारा रिजोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स. अभी हमने ओपन किया हुआ है एडमिन पैनल, देन उसके बाद हम देखने वाले इसका यूज़र पैनल कैसा होने वाला है. तो पहले हम एडमिन पैनल पर हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होता है, जिस डैशबोर्ड पर हमारे पास मल्टीपल्स कार्ड्स दिख रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेट रूम, जितने भी हमारे पास रूम एक्टिवेट हो रखे हैं वो यहाँ पर दिखने वाले हैं. इनएक्टिव रूम कितने हैं, पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी है, कन्फर्म रिजर्वेशंस कितना हो सकेगा, पेंडिंग रिजर्वेशंस कितने हैं, इन एक्टिविटी स्टेट एक्टिविटीज़ कितनी है जिनको हमने इनएक्टिव किया हुआ है, और एक्टिविटी एक्टिवेट कितनी है, कैंसल रिजर्वेशन कितना है, अनरीड क्वेरीज कितनी है. तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि हमारा एडमिन पैनल पर लॉगिन करने के बाद दिखने वाला है. फिर हम चलते हैं रिजर्वेशन लिस्ट पर. हेयर इट विल डिस्प्ले ऑल द रिजर्वेशन जिन भी यूज़र ने फ्रंट एंड पर रिजर्वेशन अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पर हमको दिखने वाला है. देन उसमें हम एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हमें उस रिजर्वेशन को कन्फर्म करना है या पेंडिंग पर करना है या हम डिलीट करना है. वहाँ पर हमको जो भी हम यहाँ पर एक्शन सेलेक्ट करेंगे वही एक्शन हमारा यूज़र एंड पर दिख जाएगा और हमारे टेबल में भी अपडेट हो जाएगा डेटा. फिर हमारे पास इंक्वायरी सेक्शन आता है. इंक्वायरी सेक्शन में हमारे पास जितने भी यूज़र एंड पर इंक्वायरी आएंगे वो आपको यहाँ पर देखने वाली है, उनको आप रीड कर सकते हो और उनसे रिलेटेड आप उनको डिलीट भी कर सकते हो. अगर आपको रीड करने का तो डिलीट करने की क्वेरीज, तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं इंक्वायरीज को. तो ये हमारी एक्टिविटी लिस्ट है जहाँ पर हम एक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं जो रिजोर्ट के अंदर होने वाली है. ठीक है, यहाँ पर हम उसको ऐड एक्टिविटी करके न्यू एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं. अगर हमें कोई एक्टिविटी को ऐड करना है या हमें कोई एक्टिविटी को डिलीट करना है तो हम यहाँ से उसको अपडेट करके एडिट करके भी अपडेट कर सकते हैं. तो ये भी हमने चार एक्टिविटीज़ को ऐड किया हुआ है अपने रिजोर्ट सिस्टम्स के अंदर, तो वो हमें डिस्प्ले भी होने वाले यूज़र एंड पर. वो हम कैसे देखेंगे, वो कैसे डिस्प्ले होने वाले जब हम इसको यूज़र एंड पर लॉगिन करने वाले हैं. ये हमारा रिजर्वेशन रिपोर्ट है. आज एक रिजर्वेशन हुआ है, उसमें सिंगल रूम था. डेट उसकी रिजर्वेशन की, कोड क्या है वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं. अभी एक रिजर्वेशन हुआ है हमारा. रूम लिस्ट, टोटल हमारे पास रूम्स कितने हैं, सिंगल डबल, उनका प्राइस है क्या है, हम उनको भी अपडेट कर सकते हैं अगर हम उनको अपडेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, एज ए एडमिन ओनली नॉट यूज़र. हम यहाँ से रूम, न्यू रूम भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें रूम ऐड करना है. सर्च पैनल भी हमारा, सर्च भी हमारा सही से क्लियर चल रहा है नहीं चल रहा वो हम चेक कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं कोई भी रूम नेम तो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. ये हमारी यूज़र लिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं हमारे वो आपको यहाँ पर देखने वाले हैं. एंड देन इन लास्ट वी हैव इन सेटिंग. सेटिंग में आप क्या कर सकते हो, अपनी यूज़र फ्रंट एंड कैसा दिखने वाला है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइक सिस्टम्स नेम, शॉर्ट नेम, एंड हमारा जो होम पेज पे दिखने वाला है वो सब डिटेल्स. एंड यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो अपना कवर इमेज एंड लोगो, जो भी आपको अपडेट करना है अपने यूजर एंड पर. तो ये प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी एडमिन पैनल पर है, और एडमिन पैनल पर हमारे अपडेट्स भी हो रहे हैं जो भी हमारा यूज़र एंड पर, फ्रंट एंड पर यूज़र कुछ भी अपडेट करता है. तो लाइक वो कोई रिजर्वेशन ऐड करेगा तो वो हमारे यहाँ एडमिन पैनल पर वो हमको दिख जाने वाला है. यहाँ पर हमको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर. अब हम चलते हैं अपना एडमिन पैनल क्लोज करके यूज़र एंड पैनल ओपन करते हैं. तो हम नेविगेट किया वेबसाइट पर. और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स जाननी है, लाइक कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, क्या क्या मॉड्यूल्स यूज़ हो रखे हैं और क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटी है या क्या क्या उसके अंदर हमने फंक्शंस यूज़ किए हुए, तो आप updatekit.com वेबसाइट पर जाना. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सर्च कर सकते हो updatekit.com. ठीक है, गूगल पर जब आप इसको ओपन करोगे तो या तो आप PHP प्रोजेक्ट्स पर सिलेक्ट कर लेना, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को सर्च करके डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट पर नेविगेट कर सकते हो. ठीक है, अभी ये हमारा प्रोजेक्ट रहा ऑनलाइन रिजोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स का. हमने इसको ओपन किया तो इसमें सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाने वाली है, क्या क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर है और क्या क्या आप उसको अपडेट कर सकते हो अगर आपको इन फ्यूचर कुछ फीचर्स को ऐड करना है, ताकि आप कॉलेज में दिखा सको कि हमने इसके अंदर ये फीचर अभी ऐड किया है और ये अभी रनिंग में है, हम इसको और अपडेट करने वाले हैं फ्यूचर्स के लिए. कैसे उसको सेटअप करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा.
तो ये आपकी हेल्प करेगा रिपोर्ट बनाने में। जब आप कॉलेज की रिपोर्ट बनाओगे तो आपका जो आपको डेटा चाहिए होगा, कुछ डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, कुछ आप इसको एक्सटेंड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें हेल्प कर देंगी, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, तो जो आपको खुद से नहीं ऐड करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने यूज़र एंड पर। यूज़र एंड पर हमारे पास क्या क्या होने वाला है वो हम देखते हैं अभी। तो अभी हम चलते हैं यूज़र एंड पर। ओके, ये अगर आप कोई और प्रोजेक्ट भी चेक करना चाह रहे हो, जावा का, पाइथन का, या किसी और अदर लैंग्वेज में, तो आप डिकोड इट को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अंदर और ऐसे मल्टीपल्स लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाने वाले, जैसे हमने अभी अपलोड्स किए हैं ये सभी प्रोजेक्ट्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी लैंग्वेज का आप प्रोजेक्ट सर्च करना चाह रहे हो वो भी आप देख सकते हो। ये हमारा डेटाबेस रहा इस प्रोजेक्ट का, सभी टेबल इंटरकनेक्टेड है, और इसके अंदर हमारे पास 6 टेबल्स हैं जिसमें हमारा डेटा फ्रंट एंड से सेव हो रहा है ऑटोमेटिकली बैक एंड पर। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके, अगर हम बात करें इसके यूज़र एंड की, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा यूज़र एंड कैसा दिखने वाला है हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज़र एंड फ्रंट एंड ऐसा दिखेगा। आप इसमें रूम्स पर जाओगे तो रूम्स पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं हमारे, विद प्राइस हमको दिख जाएंगे। जो भी हमें रूम पसंद आएगा हम उसको सेलेक्ट करके रिजर्वेशन के लिए हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम डेट ऐड कर देंगे जिस भी डेट को हम रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट किया, नेम्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एंड देन ये एड्रेस किसका आ गया है पता नहीं, एंड देन ये हमने कोई भी नंबर ऐड कर दिया, और ये हमने ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड करके test@gmail.com एंड देन सेलेक्ट किया, एंड देन ओके कर दिया हमने। यहाँ पर हम वैलिडेशन भी यूज़ कर रखा है ताकि .com सही से दिखे हमारा। तो ये हमने रिजर्वेशन अप्लाई कर दी, ये हमारे एडमिन पेज पर जाएगी, वहाँ पर आपको दिख जाएगी एडमिन पेज पर क्या क्या इसकी रिजर्वेशन, किसने अप्लाई किया हुआ है, और क्या क्या उसने, कौन से रूम, क्या क्या उसको चाहिए। ये हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमारे पास एक्टिविटी अभी हमने ऐड की हुई है बैक एंड पर, वो भी हमारे यहाँ पर दिख जाने वाली है। अब मल्टीपल्स एक्टिविटी को ऐड करोगे तो मल्टीपल्स एक्टिविटी हमारी यूजर एंड पर भी दिख जाएगी। कॉन्टेक्ट अस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई क्वेरीज ऐड करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से जाके सेलेक्ट करके उस क्वेरीज को डाल सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पर कोई भी क्वेरीज सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ, तो वही क्वेरी हमारी जाएगी एडमिन पैनल पर। ये हमने डाल दिया कॉन्टेक्ट नंबर, ये हो गया सेंड क्वेरीज, तो ये मैसेज जाएगा हमारा एडमिन पैनल पर। उसमें जाके एडमिन इसको चेंज कर सकता है, रीड करके कुछ जो भी कुछ उसको अपडेट करना है वो कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को आप कॉलेज में दिखा सकते हो एक्सप्लेन, जैसे मैंने किया है उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कोड ये हमारा VS कोड के अंदर टूल यूज़ किया हुआ है। डेटाबेस हमारा जैम सर्वर के अंदर डेटाबेस स्टोर होगा, उसमें हम, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ जैम सर्वर को क्योंकि थोड़ा ईजी है वर्क बेंच से, और उसमें मल्टीपल चीज़ें मेरे को नहीं ऐड करनी पड़ती, बस मेरे को पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, तो वो मैं ईजिली चेंज कर सकता हूँ। तो आप भी जैम सर्वर यूज़ कर सकते हो, या आप दूसरी चीज़ों को यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, रिजोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो आई होप डू यू लाइक दिस प्रोजेक्ट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। सो थैंक यू।